यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग मेल है जो कि चैंपियन है, जो सारे के सारी जितने भी यहाँ पे ब्रीडिंग है तो वो KCI के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ले रहे हैं। hey! कितना प्यारा है ये, कहाँ से इम्पोर्ट है ये? इम्पोर्टेंट। ओ भाई देख रहे हो कितने प्यार से इसने मेरे से हाथ लगवा लिया, और ये सिर्फ हाथ लगवाने से ही देखो पूरी इनकी जो पुरानी पेरेंट्स हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है। ये जो है इनका 10 साल वाला डॉग है। जो फादर है वो इम्पोर्ट है, राइट? हाँ जी। और जो मदर है वो इम्पोर्ट पेडिग्री है। हाँ जी। तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। आज तक मैंने आपको जितने भी फार्म्स विजिट करवाए हैं वहाँ पे मतलब हमारे को मोस्टली मेरी एज से बड़े लोग मुझे मिलते हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े फार्म सेटअप किए होते हैं, इतने सारे डॉग संभाल रहे होते हैं, इतने सारे एनिमल संभाल रहे होते हैं। बट आज मैं आपको मेरी उम्र से भी छोटा यानी कि 20 साल के एक व्यक्ति से आज मिलवाने वाला हूँ, भाई से हमारे, जिन्होंने अपने शौक को इतनी सी उम्र में इतनी जगह मतलब बढ़िया लेवल पर ले गया ना। भी आप देखेंगे अंदर कितने अमेजिंग अमेजिंग ब्रीड उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो मैं फिलहाल हूँ हिसार के अंदर और चलिए आ जाइए। अमेजिंग, लेट्स गो। हाँ जी हाँ जी, करण भाई जी कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, कैसे हो? सो ये है हमारे करण भाई, अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में। आपकी सच में उम्र 20 साल है या सिर्फ? हाँ जी हाँ जी, सच है, पक्की बात है? मैं भी देखूंगा जरूर एक बार, इनका आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा मेरे को। नहीं अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, BLLB कर रहा हूँ। अरे क्या पूछे पूछे रखी हुई है भाजी ने, क्या बात है। अरे बड़ी प्यारी पग है यार, कितनी एज है इसकी? ये 14 मंथ्स की। और क्या नाम है इसका? कैशी। कैशी बड़े प्यारी है। और ये चाव चाव कितनी एज की है सभी? ये भाई 2-2.5 महीने के, ढाई ढाई महीने की। तो यार मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, कितने भाई कितने का सेटअप है आपका? मैं देख रहा हूँ बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे जगह बनाई है और अभी अंदर भी मेरे ख्याल से आपका सेटअप पूरा खुल गया। कितने भाई कितने का सेटअप है ये? भाई अपना 600 गज का प्लाट है। 600 गज का प्लाट, वाह। और यहाँ पर अभी कितने डॉग है? 10 10 डॉग्स है टोटल अपने पास से, 14 डॉग्स है। बट सभी अलग अलग जगह रहते हैं या एक ही इधर ही सेट? नहीं, जैसे एक अब मेरे 2-3 घर पे भी रहते हैं। सही है, बाकी यहाँ पे सारे। बहुत सही। जो हर एक फैमिली नहीं ले सकती। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, वो ले जिनके पास जगह हो, जिनके पास टाइम हो देने के लिए, और जो इनके नखरे सह सके। चाव चाव ब्रीड जो है वो थोड़ी सी नखरीली होती है, हर एक डॉग नहीं बट कई डॉग जो है बड़े नखरीले निकलते हैं। तो अगर आप चाव चाव प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आप उनको प्रॉपर एक ऐसी कंडीशन दे सको जो उनके कोट के लिए, उनकी ब्रीड के हिसाब से अच्छी हो। सबसे पहले टेम्परेचर मेंटेन, टेम्परेचर। और ये टोटल कितने पपीज हैं यहाँ पर, मेल फीमेल कितने हैं इनमें से? इसमें से अपने पास 5 मेल है, 2 फीमेल। अच्छा, और बड़े वालों में? टोटल टोटल में। हाँ। अच्छा सही है। हाय कितना प्यारा है ये। अभी एक ये देखना इधर, अच्छा ये देखना बड़े वाले को देखना, ये शाय ब्रीड होती है, है ना, बड़े शाय होते हैं। इधर आओ। अच्छा अब इनमें से ना एक एक डॉग को देखना, अभी मैं सिर्फ हाथ लगाऊंगा, ये वाला डॉग को लो। नहीं ये तो, अरे ये तो बड़ा भारी है भाई, बड़ा भालू। तो इनको डाइट क्या दे रहे हो अभी आप? इनको भाई इनका एग चल रहा है। ओके, फीड NND की चल रही है। अच्छा गाइस आ जाओ, मैं आपको जो है इनके पेरेंट्स दिखाता हूँ। यार मुझे बंद कर दिया अंदर, खोल तो दो। ओपन ओपन है। ओए ओए ओए, नो 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 नो। अच्छा कुछ नहीं हुआ इसको, ये सिर्फ हाथ लगवाने से ये देखो बाहर आएगी। ये देखो अभी देखना, नीचे दिखाना, नीचे दिखाओ। ये देखो, ये देखो, उठा रहा हूँ, सिर्फ उठा रहा हूँ उसी वजह से। सो यार ये जो मदर और फादर हैं इनके, ये दोनों इनमें से जो फादर है वो इम्पोर्ट है, राइट? हाँ जी। और जो मदर है वो इम्पोर्ट पेडिग्री है। हाँ जी। तो कितनी कितनी एज है इनकी दोनों की? फीमेल की 18 मंथ्स है, फादर की 22 मंथ्स। फादर की 22 मंथ्स है। तो यार ये एज जो है जब आप ब्रीडिंग करवाते हैं तो ये आप अभी हमारे को बता भी रहे थे भाई कि जो ये जो सारे के सारी जितनी भी यहाँ पे ब्रीडिंग या फिर जो पपीजे ले रहे हैं अगर फीमेल से, तो वो KCI के जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करके ले रहे हैं। तो KCI बेसिकली कैनल क्लब ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर जो ब्रीडर्स एसोसिएशन होती हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिस रूल्स के बिहाफ पे जो है वो ब्रीडिंग करते हैं या फिर पपीज लेते हैं। बाकी वैसे तो भाई तो फुल टाइम ब्रीडर नहीं है,
बट यार इन्होंने जो कलेक्शन रखी हुई है ना, स्पेशली ये जो मेल है, मेरे को पकड़ाओगे? एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं एग्रेसिव नहीं, थोड़ा शाय है। हे हे, आता नहीं आराम से। अपने क्या नाम है इसका? ऑस्कर। ऑस्कर ऑस्किन ऑस्कर ऑस्कर। ओ भाई क्या कंडीशन है यार इसकी, क्या देख रहे हो। ये चीज मेंटेन करने के लिए आपको इतना फर्म मेंटेन करने के लिए टाइम देना पड़ता है ना, और एक एनवायरमेंट देना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अभी तो मैंने आपको जो है दिखाई है चाओ चाओ के पपीज, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा हस्की के पपीज। यहाँ पे बहुत सारे हस्की के पपीज है, स्पेशली व्हाइट कलर के हस्की के पपीज है। जाओ 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 जाओ। अरे यार ये आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरी जन्नत है। ओके गाइस, आप देख सकते हो अभी मेरे हाथ में जो है प्यारे प्यारे व्हाइट कलर के हस्की है। तो यार इनके जो पेरेंट्स है वो दोनों व्हाइट है, मदर और फादर दोनों व्हाइट है। हाँ जी हाँ जी। तो और दूसरे जो है यहाँ पर है ये किधर भाग रहा है, किधर भाग रहा है शरारती। ये जो है नॉर्मल जो कलर होता है ब्लैक एंड टैन, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट कलर इसको कहते हैं। और इनमें जो है ब्लू आइज का बड़ा क्रेज रहता है। जैसे इधर पास आओ, अभी आप ये देख रहे हो व्हाइट कलर में ब्लू आइज का हस्की है। तो ये ब्लू आइज मदर फादर पे डिपेंड करता है, ये मदर फादर पे भी डिपेंड करता है, जो इनके पीछे पेडिग्री होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जितने भी हैं ये सभी कौन सी इंपोर्ट पेडिग्री से है, क्या इनके मदर फादर इंपोर्ट है? पेडिग्री है, इनका जो फादर है वो डायरेक्ट इंपोर्ट है, वो डायरेक्ट इंपोर्ट है। अभी आपको फादर भी दिखाते हैं, दोनों ब्लैक फादर भी दिखाते हैं, व्हाइट फादर दिखाते हैं। तो यार देख रहे हो ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि इनकी जो ब्रीडिंग है वो घर की जो है इधर घर में ही हो रही है, कि इनके मेल भी खुद के और फीमेल भी खुद के। वो चीज बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहता है, बिकॉज उससे डॉग्स एक तो टेम्परामेंट बहुत सही रहता है, क्योंकि शुरू से इकट्ठे रहते हैं ना, तो वो चीज बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। और यहाँ पर अभी और भी प्यारे प्यारे पपीज आए हैं, देखना उधर देखना, वो सारे के सारे एक्टिविटी कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, सूख रहे हैं। क्या बात है भाई, मेनली तो अपने अपना ये शौक ही है, कोई बिजनेस वगैरह के लिए नहीं कर रखा, लेकिन अपने पास प्रॉपर्टी पड़ी थी शहर के बाहर यहाँ पे हाईवे पे, तो उस पर्पस के लिए शाम को सारे यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उनके पास भी डॉग्स वगैरह है सारे, तो उस चीज़ को देखते हुए भाई मैं मेरे शौक यहाँ पे सारे डॉग्स रख लूँगा। पर्सनली जब मेरे साथ जर्मन शेफर्ड है, 10 साल हो गए हमारे साथ ही, और जितने भी अपने पास बाकी सारे डॉग्स हैं वो अपने साथ ही रहेंगे जब तक। ओके गाइस, तो ये जो है इनका 10 साल वाला डॉग है, इस ये फीमेल है और इसकी एज जो है वो 10 ईयर्स है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इनके सारे बड़े डॉग्स आ गए हैं। यो, इनके पास अमेरिकन बुल्ली भी है और ये बिल्कुल मीमी जैसी है, बड़ी क्यूट है भाई, बड़ी क्यूट है। वाह, तो अभी मैं आपको जो है फिलहाल इनके जो है थोड़ा सा और टूर का सेटअप देता हूँ। यहाँ पर इनके बड़े बड़े डॉग्स आ गए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर है वो चाओ चाओ की फीमेल्स। और वाह, तो ये भाई आपने गेस्ट रूम टाइप बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे डिलीवरी से मतलब डॉग दूर दूर से लेने आते हैं लोग। हाँ, रात भर तो रुकने के लिए पूरी व्यवस्था है। सही है यार, ये अच्छा खासा आपने किया। और ये डॉग्स सारे इधर है, और ये रही आपकी किचन, अभी आपके किचन में चलते हैं और देखते हैं आप कौन सा डॉग फूड दे रहे हो। फर्मिना इंडी हो गया, ये कैनाइन प्रिक हो गया, इसमें डॉग्स के लेग्स हो गए, एग्स हो गए, और अंदर डीप फ्रीजर आपने लगाया है जिसमें आप चिकन रखते हो। चिकन, वाओ यार, तो ये चीज तो श्योरिटी चेक हो गया कि आप अच्छा डॉग फूड देते हो। हेलो हेलो, ओए भाग गए वो हाय। तो ये इनका मेल स्टड है, ये वाला अपना इंपोर्ट है भाई, ब्लैक वाला आ जाओ। अच्छा, ये कौन सा इंपोर्ट है? हैं इंपोर्ट का, रशिया से इंपोर्ट है ब्रो। वाओ, रशिया से इंपोर्ट। अरे 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 अरे, बस भाई बस, इतना प्यार मुझसे। वाओ, कितनी एज है इस डॉग की? ये भाई 22 मंथ्स ओल्ड। और बाकी ये जो अमेरिकन बुली है, ये भाई मेरा शौकी है। अच्छा, एक महीने तक रखी है, ये तो भी 12 मंथ की फीमेल है। हेलो, माइक्रो साइज में। हेलो भाई, बड़ी प्यारी है ये। जैसे हर बच्चे का ये लगभग ये शौक होता है, जैसे अपने घरों के आसपास नॉर्मल देसी कुत्ते होते हैं छोटे छोटे, तब से उनको शौक होता है, तो वहीं से मेरा शौक स्टार्ट हुआ था। ओके गाइस, तो अभी जो मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो दूसरा व्हाइट कलर का डॉग है, आ जाओ करण भाई, वेलकम। हाँ, तो ये भी इम्पोर्ट है। हाँ जी, ये व्हाइट वाला कहाँ से इंपोर्ट है? ये कोरिया से इंपोर्ट है। ओ भाई, देख रहे हो कितने प्यार से इसने मेरे से हाथ लगवा लिया। और वो ये फीमेल है? नहीं, ये मेल है। अच्छा, ये भी मेल है? ये 4 मंथ्स का। अच्छा, ओ तो इसको भी तैयार कर रहे हो? हाँ, ये तैयार कर रहा हूँ मैं, इसी का बच्चा है ये। अरे वाह, देख रहे हो कितना प्यारा, एक बार आना, ब्लू आईज का देखो कितना है। हाँ, कितने प्यारे हैं दोनों के दोनों। तो हमारा प्लान है 2 दिन
पहले का वीडियो बनाने का था, बट ड्यू टू रेन हमारे को ये सभी प्लान कैंसिल करने पड़े। तो इस वजह से जो डॉग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो दे आर नॉट वेरी, आप कह सकते हैं ग्रूम नहीं अभी प्रॉपर, क्योंकि दो दिन के अंदर चिक्कड़ विक्कड़ अच्छा खासा बारिश में मस्ती है। कच्चा वैसे छुड़वा रखा मैंने खेलने के लिए, ये सारे ये चीज बहुत अच्छी है जो आपने कच्ची मिट्टी छुड़वाई है डॉग्स के पैरों के लिए, पपीज के पैरों के लिए बहुत अच्छी है। और मिट्टी में मुझे ऐसा लगता है इनका जो आप कह सकते हैं इनके इनका रहन सहन बहुत सही रहता है, बहुत सही रहता है, मतलब बीमार भी नहीं होते, बीमार भी नहीं होते, इनकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, ये बात माननी पड़ेगी। यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग मेल है जो कि चैंपियन है, तो ये कहाँ पे कैसा सीन है इसका बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। मतलब रिंग में लगा था ये 14 मंथ्स का है। अरे वाह, ये सिंगल कोट का है। हाँ, जैसे वो दोनों बुली कोट है ना। हाँ, शो में नहीं लग सकते। हाँ, ये सिंगल कोट का है, ये अभी रिसेंटली चैंपियन बना। वाह यार क्या बात है, बहुत सही। तो शौक जो है अपने आगे ले जाना ना बहुत सही चीज रहती है, जो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मैं देख रहा हूँ भाई जो है यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मेहनत करके उन्होंने तो बढ़िया सेटअप बनाया है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है इतने सारे डॉग्स के जो पेपर्स है वो मेंटेन किए जाते हैं। सभी डॉग्स जो है विद केसीआई पेपर्स के साथ आते हैं, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये केसीआई पेपर्स होते हैं, तो यहाँ पर पूरी इनकी जो पुरानी पेरेंट्स हैं, इनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सभी के बारे में लिखा हुआ है ना। और साथ में इनके आती है ये माइक्रोचिप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जब आप डॉग को शो में लेकर जाते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे भैया का यहाँ पर सेटअप देख के, हिसार जैसे शहर में इतना बढ़िया सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा। और इतनी एज में, अभी तो ये छोटी एज में, सोचिए कि इन फ्यूचर जब इनकी एज बड़ी होगी तो इनके प्लान्स कितने बड़े हो जाएंगे और कितना कुछ ये वेलफेयर कर सकते हैं डॉग के लिए। इवन ये आप बताते हैं यहाँ पे एक डॉग डॉक्टर भी आता है ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर साहब है अपने, वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मैंने इनके लिए प्रॉपर अंदर स्ट्रेचर बनवा रखे हैं। अच्छा, प्रॉपर अंदर बनवाया हुआ है जहाँ पे इनका इलाज होता है। हाँ, वहीं पे इनका ड्रिप्स वगैरह चलती है, मैं कहीं पे लेके नहीं जाता अगर कोई बीमार पड़ जाए तो। हाँ, यहीं पे होता है, एक्सरे वगैरह के लिए तो लेके जाने पड़ते हैं। हाँ, बाकी मैक्सिमम 99% ट्रीटमेंट यहीं पे। तो यहाँ पे शरारती डॉग्स भी रहते हैं और शांत डॉग भी रहते हैं, ऐसे ही बहुत बढ़िया यहाँ पे डॉग्स की फैमिली बनी हुई है। सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग एंड आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो आपको क्या पता है, मेक श्योर टू द लाइक बटन। और भैया का जो है नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा, अगर आपको किसी भी पपी के बारे में कोई भी डिटेल चाहिए तो आप क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग।